दैनिक श्रेष्ठ समाचार में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मौजूद है उधमपुर की देविका तट पे और कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बीती शाम को हमने एक आपको खबर दिखाई थी कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्म पत्नी उनका अंतिम संस्कार उधमपुर के पवित्र देविका घाट में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे के करीब होगा और उसी के सिलसिले में आज हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस समय पार्थिव शरीर है जयमाला जी का वो इस समय इस रूम में मौजूद हैं और उनके घर परिवार के वह और सभी चाहने वाले इस समय उधमपुर के देविका घाट में उपस्थित हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी है उधमपुर के पवित्र देविका घाट में। नायब तहसीलदार यहाँ पे श्याम जी, पुलिस यहाँ पे पहुँची है, उधमपुर पुलिस, बहुत सारे नेता लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हर्षदेव सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करें और भी कई नेता यहाँ पे जयमाला जी के अंतिम दर्शनों के लिए उधमपुर के देविका में पहुँचे हैं। और हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए उनका जो वीज़ा था वो ब्लैक लिस्ट था। जैसे कि आप जानते हैं कि उनके जो बेटे थे भीम सिंह जी के अंकित लव, उनका वीज़ा जो था वो ब्लैक लिस्ट था और उसके कारण वो भारत नहीं आ पा रहे थे। लगभग 10 दिन हो चुके हैं आज जब जयमाला जी का पार्थिव शरीर जो है GMC जम्मू में शवगृह में पड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार आज उनका अंतिम संस्कार उधमपुर की पवित्र देविका घाट में होने जा रहा है। तस्वीरें आप लाइव यहाँ दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से देख रहे हैं और लोगों की भीड़ काफ़ी यहाँ पे उमड़ी हुई है। लोग 1 बजे से पहले ही यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे जबकि समय जो था वो 1 बजे का था। और इस समय मैं आपको बता दूँ कि ये जो लोग आप देख रहे हैं इसके साथ एक कमरा है, इसी के अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और लोग जो है वहीं पे उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और एक तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जल्द ही अब जो यहाँ से उनका पार्थिव शरीर संस्कार के लिए ले जाएगा। तस्वीरें इस समय हम आपको लाइव दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। उधमपुर की तस्वीरें हैं, देविका घाट की तस्वीरें हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जैसे उन्हें बता दिया कि ये जो कमरा है इसी के अंदर जयमाला जी का पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि पैंथर्स पार्टी के काफ़ी दिग्गज नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अगर बात करें तो हर्षदेव सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे रश है और तस्वीरों में हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन देखिए लोग जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट है। यहाँ पे कोई महजब नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, हर कोई जिसको भी पता चल रहा है वह यहाँ पे पहुँच रहा है और इस समय से बात करने की भी कोशिश करते हैं अगर किसी से बात हो। जो डस्ट हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इनको आ गई हैं, नेचुरली फिजिकल रिपोर्ट तो ऑन स्पॉट मिल जाती है ना,
तो दे आर सेटिस्फाइड, इट्स ओके, अब क्रीमेशन अच्छे से हो जाए, मेरी यही डिमांड है। मतलब जब वो जिंदा थी तो भीम सिंह जी ने उनको क्वीन की तरह रखा, मेरे घर में वो एज ए क्वीन रही हैं। अब 10 दिन इन्होंने किया, लेकिन आज फिर वो अपने स्वर्ग में पहुंच जाएगी। जब पोस्टमार्टम की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये जताया जाता है कि इनकी हत्या हुई है। कोई बात, क्या मानते हैं ये, क्यों आरोप ये क्यों लगाया? कोई बात, ये चलता है। ये परिस्थितियाँ परिवार की काफी ज्यादा बदल गई, सारे अलग हो गए, क्यों ऐसा क्यों हो गया? जिसमें एक शख्स था जिन्होंने पैंथर्स पार्टी को एक नाम दिया था, पूरे भारत दुनिया में नाम दिया था, लेकिन आज वो नाम खत्म होता जा रहा है। नहीं, ये छोटे छोटे इश्यूज से नाम खत्म नहीं होता है, ये पारिवारिक मसले। आपको पता है इंदिरा गांधी के परिवार में भी ऐसा हुआ, जयललिता, हाई प्रोफाइल फैमिली है, हाई प्रोफाइल इश्यूज रहते हैं उसमें क्या कह सकते हैं। अब मेरा था पोस्टमार्टम होना चाहिए जैसे कि डिमांड थी। मैंने घर में, मेरे ब्रदर जो प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी के, उनके घर में मैं डेड बॉडी लेके गई। जैसे ही मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैंने बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करना ठीक समझा, क्योंकि वाई टू टेक अनदर अननेसेसरी एलिगेशंस ऑन मी, सो दैट्स व्हाई आई पुट द। अंकित आ जाए हैं तो क्या उनसे आपकी क्या बात हुई? नहीं, मुझे अंकित से, मुझे जो भी पोस्टमार्टम के डिमांड कर रहे हैं वो मेरे कजन्स बिल्कुल नहीं हैं। और अगर मेरे रियल ब्रदर जो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, अगर वो उन कजन्स के साथ खड़े हैं तो वो मेरे भाई भी नहीं हैं। सीधी सी, बिल्कुल, आप एक माँ को मेरे पास छोड़ा, किसी ने पानी का घूंट नहीं पूछा, किसी उसके पास क्या था? शी डोंट हैव अ पैनी ना, पेंशन तो अभी सेटल नहीं हुई ना, पेंशन के लिए लीगल हायर बनाना पड़ता था, पेंशन के लिए राशन कार्ड चाहिए था। अभी 9 महीने के बाद तो जस्ट अभी उनकी पेंशन सेटल हुई है, अभी तो उन्होंने बेचारों ने अपना एक पैसा खाया ही नहीं, अकाउंट से भी 10 पैसे अभी वो ड्रॉ नहीं कर पाई है। कहाँ रही वो 1.5 साल, क्या उनका एक्सपेंडिचर था, वो कैसे रहती थी, उनकी कैसे दवाई आती थी, वो कैसे दिल्ली जाती थी, कैसे गाड़ियां आती थी। 1 साल से वो दिल्ली में किराए के मकान में रह रही थी, मैं उनका किराया भरती थी जो जहां अंकित रहता था। 1 साल से पहले मैं अपने घर के ये पर्दे जो हैं उठाना नहीं चाहती हूं। मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैंने भीम सिंह जी की फाइनेंशियल हेल्प कितनी की या माला जी की, क्योंकि मुझे ये गंदी बातें होती हैं। ऑल द होल कि आज जो क्रिमिशन हो गया है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, कि जिस तरह से मैंने, वो मेरे घर में इसलिए रही कि उनको लगता है इसका घर डुप्लेक्स है, होटल है, तो उनको वो इसलिए रहती थी कि उनको लगता था कि यहाँ मुझे वैसी ही रॉयल फीलिंग आती है जो मुझे होटल्स में आती है। अदरवाइज सब रखने को तैयार थे, मेरी सिस्टर बाकी भी रखने को तैयार थे, बट वो कजन्स जो आज पोस्टमार्टम में शामिल हैं वो बिल्कुल गद्दार हैं। माला जी के कातिल वो हैं, भीम सिंह जी के कातिल वो हैं। हमारे परिवार में जितने कत्ल कहे जाते हैं, हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन सब के जिम्मेवार वो हैं जिन्होंने आज पोस्टमार्टम की डिमांड की है, जिन्होंने पहले पोस्टमार्टम की डिमांड, भीम सिंह जी के टाइम भी मैंने कहा कि पोस्टमार्टम, हाई प्रोफाइल फैमिली है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। माला जी के टाइम भी मैंने कहा है, भीम सिंह जी के टाइम भी मैंने कहा है, हाई प्रोफाइल फैमिली है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्योंकि भीम सिंह जी डिक्सन प्लान की बातें करते थे, अमेरिका को उन्होंने हिला के रखा था, इतने सीनियर लीडर थे, उनके मुकाबले का कोई लीडर है ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। एक छोटा आदमी, एक छोटा सा बंदा उनको नहीं मार सकता। बात आपने की, लेकिन परिस्थितियां क्यों बदल गई? कौन सी परिस्थितियां? भीम सिंह जी का बात इस तरह के, उन्होंने पूरे परिवार में ही, उनका कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं जस्ट कह रही हूँ कि हाई प्रोफाइल फैमिलीज, अब इंदिरा गांधी पे अब ब्लेम लगते हैं, जयललिता देखो, जितने हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं ये एलिगेशन चलती हैं, ये बेसलेस है। बट मुझे था कि आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाई माई सेल्फ, कि वो भी सेटिस्फाई हो गए, मैं भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। अगर मैं बेटी बन के रख पाई तो मैंने जस्टिस कर दिया ना, मैंने बॉडी उनको हैंड ओवर दे दी, आज मैंने पोस्टमार्टम भी करा दिया, मेरी पोजीशन मैंने अपनी क्लियर कर दी है ना। तो लकीली आज उनका अपने पति के पास, भीम सिंह जी के पास आज वो पहुंच जाएंगे। 20 मई को बारखी भी थी, तो उन दोनों की ये बता दूं कि माला जी ब्राह्मण परिवार से थी, भीम सिंह जी राजपूत थे, इनकी लव मैरिज थी, तो वही लव साल के अंदर देखो दोनों इकट्ठा ही चले गया। जब बारखी के अंदर गया मतलब सच्चा प्यार था, दोनों चले गया साथ में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल ही जिस तरह से ये थी मेघनैनी जी, इन्हीं के घर पे जयमाला जी रहती थी, और काफ़ी आरोप ये उन लोगों पे लगा रही हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम की डिमांड की थी। ये इनका कहना है कि माला जी और भीम सिंह के हत्यारे हैं वो लोग जो पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेघनैनी जी ने किया है, और उन्होंने कहा है कि अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है भीम सिंह जी की मृत्यु को, और उसी के दौरान उनकी धर्मपत्नी का इसी तरह से चले जाना, ये एक सच्चा प्यार जताता है। और
बाकी दृश्य हम आपको समय दिखा रहे हैं उधमपुर के देविका घाट से। बातें आपने सुनी निगरानी जी की कि क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए, किस तरह की बातें की। अभी भी पार्थिव शरीर जो है वो इस कमरे के अंदर है, अंतिम दर्शन जयमाला जी के किए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही समय के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये देखिए आप, हम आपको फिर बता दें कि उधमपुर में संस्कार क्यों किया जा रहा है, उधमपुर की देविका में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जो है वो देविका नगरी के ही थे, यहीं के बसिंदे थे, और इसीलिए जयमाला जी का संस्कार देविका घाट उधमपुर में किया जा रहा है। जब भीम सिंह जी का देहांत हुआ था तो उनका संस्कार भी उधमपुर में हुआ था, लेकिन देविका घाट नहीं बल्कि उनके पार्थिव गांव में हुआ था। लेकिन जयमाला जी का यहाँ उधमपुर में देविका घाट पे किया जा रहा है। तो संस्कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम रूप जो है उस संस्कार को दिया जा रहा है। वह फिर बता दूं कि हम आपको दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से लाइव विजुअल जो दिखा रहे हैं, ये उधमपुर देविका घाट के हैं। जो दर्शक थोड़ी लेट जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, कैप्शन भी पढ़ लें, क्योंकि कैप्शन में हमने पूरी जानकारी दी है। और आपको बता दूं कि इस समय प्रोफेसर भीम सिंह जी, जी हाँ, स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह की जो धर्मपत्नी जी थी जयमाला जी, उनका अंतिम संस्कार उधमपुर में देविका घाट में किया जा रहा है। और इस समय जो लोग आप देख रहे हैं, इसके साथ में एक कमरा है, इसी के अंदर जयमाला जी का पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए, ताकि जो भी कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है वह यहाँ पर आके दर्शन कर सकता है। जैसे कि जानकारी आपको हमने पहले भी बताई थी कि उनका बेटा जो है अंकित लब, वह कल ही पहुंचे हैं रात को भारत, क्योंकि वो लंदन में रहते थे और उनका वीज़ा जो है वो ब्लैकलिस्ट किया था, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था, क्योंकि कुछ ऐसे कारण बने थे लंदन में शायद, तो जिसके कारण उनको ब्लैकलिस्ट किया था। और लगभग 10 दिन होने वाले हैं जब जयमाला जी का देहांत हुआ था, उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो जम्मू GMC में रखा गया था शवगृह में, और बेटे ने अंकित लब ने लंदन से लेटर लिखा था और कहा था कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता और जब तक वह खुद यहाँ नहीं पहुँचते तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वो बेटे हैं और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पा रहा था उन्हें, और कल ही उनका वीज़ा क्लियर हुआ है। उसके बाद आज उनके संस्कार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देविका स्थल पे हम मौजूद हैं और मिगडैनी जी, जिनके घर में जयमाला जी रहती थी, बेटी समान थी वह जयमाला जी की, उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं, काफ़ी बातें खुलकर कैमरे के सामने कही हैं। उनका कहना है कि जो लोग पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे थे वही कातिल हैं, और भी काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से सब सुनाया है।
ने यह भी कहा कि अभी एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है, मई में एक वर्ष पूरा होगा प्रोफेसर भीम सिंह जी को, तो उसी एक वर्ष के दौरान ही जयमाला जी का भी चले जाना एक सच्चा प्यार जताता है। भीम सिंह जी राजपूत परिवार से थे और जयमाला जी एक ब्राह्मण परिवार से थी। इन दोनों के बीच में लव मैरिज थी और लव मैरिज के कारण इन्होंने शादी की थी। और जिस तरह से मृगनानी जी ने कहा कि एक सच्चा प्यार था इन लोगों का, तभी तो एक वर्ष के अंदर जयमाला जी भी ये दुनिया छोड़कर भीम सिंह जी के पास जा रही हैं। और आज जयमाला जी का अंतिम संस्कार उधमपुर में देविका घाट, पवित्र देविका घाट पे किया जा रहा है। बस कुछ ही समय के बाद अंतिम संस्कार को अंतिम रूप दिया जाएगा। तस्वीरें इस समय हम आपको देविका से दिखा रहे हैं। आगे नहीं जाना था। और शायद अब उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको इस समय झुमपुर के देविका घाट से दिखा रहे हैं। यहाँ पे उनका यहीं पे देविका की तस्वीरें यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनके पुत्र तो ये उनके बेटे थे जिनके बाल काटे जा रहे हैं। ये है अंकित लब जो लंदन से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दोबारा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो ये है महाराज जी का बेटे, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हीं यही बेटे हैं भीम सिंह जी के। इनका जो माँ बाप का फर्ज है वो अंकित यहाँ पर निभाते हुए, इसे हम डोगरी में पत्रे कहते हैं। और ये माला जी के बेटे अंकित यहाँ पर इनके बाल काटे जा रहे हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई अंकित लव की, यही उनके बेटे थे। यहाँ पे उनके बाल काटे जा रहे हैं, डोगरी में बद्दर कहा जाता है। और उनका वजह से ही ये समय जो है वो लगा है, 10 दिन का समय लगभग अंतिम संस्कार के लिए। तो दोबारा एक बार आपको दिखाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं।
तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये प्रोफेसर भीम सिंह जी के बेटे थे अंकित लव, जो लंदन में थे, जिसके कारण संस्कार में थोड़ा समय लगा। जैसे मैंने पहले बता दिया कि इनको वहाँ पे ब्लैकलिस्ट किया गया था इनका वीज़ा, जिसके कारण यह भारत नहीं आ पा रहे थे, और कल ही इनका वीज़ा जो है वो क्लियर हुआ है, उसके बाद ये वापस भारत पहुँचे हैं। और आज जयमाला जी का जो अंतिम संस्कार जिला उधमपुर के पवित्र देविका घाट पर किया जा रहा है, लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ इस समय आप साफ दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से देख सकते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया भी यहां पे मौजूद हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो कुछ ही देर के बाद संस्कार जो है वो किया जाएगा। इस समय जो लोग आप देख रहे हैं इनके पीछे अंकित लव, जो जयमाला जी के बेटे थे, उनके बाल काटे जा रहे हैं। डोगरों में, हिंदुओं में एक मान्यता है कि जब बेटा किस अपने माँ या बाप को अग्नि देता है तो उसके बाल काटे जाते हैं। बद्दर इसे कहा जाता है डोगरी में, बद्दर वो यारी है। तो कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार होगा, हम कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं। फिलहाल मुझे थोड़ी देर के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।